हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप ज़रूर बताना, गर्मी कैसी पड़ रही ये भी बताना। घर परिवार में सभी लोगों का ध्यान रखिए और खुद का भी ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, मैं फ्री हो गई थी तो मैंने बोला भिंडी इंडी काट कूट के रख लेती हूँ। घर गर्मी में जितना जल्दी खाना बना लो उतना सही है, क्योंकि घर में से मतलब गर्म गैस वगैरह निकल जाती है। बच्चों का हॉलीडे होमवर्क भी कराती जा रही हूँ, फिर मैंने बताया था ना जहाँ तक है घूमने की प्लानिंग बनाई है, तो अभी पक्का नहीं है पर जब घूमेंगे जाएंगे तब तो उसके हिसाब से तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम हॉलीडे होमवर्क वगैरह सारा कंप्लीट करा के जा रहे हैं, क्योंकि 6, 7, 8 ऐसे में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर कपड़े वगैरह धोना, क्योंकि ये महीना तो गया ही गया। तो इस वजह से मैं भिंडी बना रही थी, क्योंकि सब्जियां अब ख़त्म होने आ गई हैं कि उस मंगलवार तक हो जाती, मंगलवार को आता 8 दिन और क्या लोगे। ये भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी, चीनी चाय पत्ती नमक ख़त्म हो गया था। मैं दुकान पे गई, उसको लेके आई, फिर उनको डब्बे में भरा, क्योंकि देखिए आप लोग पता हो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हम तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके लाते, जो चीज़ ख़त्म होती है वही ले आते हैं, क्योंकि सैलरी महीने की सैलरी तो हमारी आती नहीं है, रोज़ की आती है, आप लोगों को पता ही है। तो बस डब्बों में कर दिया मैंने, और इनके लिए एक कप चाय बनाई, वो होता है ना जहर जहर को मारता है, तो वैसे गर्मी गर्मी को मारती है, मेरा सोचना है। तो हमें चाय की तो चाहिए होता है, जैसे काम वाम करके फ्री होके बैठ गए थोड़ी सी चाय चाहिए, तो फिर बस मैंने बोला ठीक है बना लेती हूँ। और पता है आज बच्चे जब से घर में रहते हैं ना, मेरे पास बिल्कुल भी नेट नहीं बच पाता है, बिल्कुल भी वीडियो ही जा पाती है और टीवी चल पाती है, आप लोगों के कमेंट भी रिप्लाई नहीं हो पाते, और 2 दिन कमेंट के रिप्लाई ना हो तो मुझे बेचैनी होने लगती है। सबके कमेंट पढ़ती हूँ, ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बाहर जाके टहल के कैसे ही ना कैसे मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, और अगर उस दिन नहीं हो पाए तो इकट्ठे मैं 2 दिन में 3 दिन में कर देती हूँ। पर आप लोग मेरे परिवार प्लीज़ समझना, क्योंकि देखिए हमारी टीवी मेरे मोबाइल से ही चलती है, 1.5 GB नेट होता है, तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग समझिएगा, मुझे पता है आप समझोगे। तो यहाँ पे सारे डब्बों में कर दिया, इसको सारे को समेट के रख देंगे, फिर भिंडी छौंकेंगे। अभी मैंने कुछ भी नहीं छौंका है, बाल धोए थे, सिंदूर वगैरह मैंने भर लिया है, सीधी मांग निकालती नहीं हूँ, क्योंकि कितने अरे तो मेरे सफ़ेद बाल हैं, बुढ़ापे की निशानी है ना, बुढ़ापा आ गया है। फ्रिज में रखा, फ्रिज में धूल मिट्टी हो गई थी उसको साफ़ किया, बाहर पानी छिड़का जो धूल मिट्टी ना, क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी आ रही है। एक तो यहाँ पे मकान बहुत ज़्यादा बन रहे, बहुत ज़्यादा, देखिए इतनी सड़ी गर्मी में पूरे दिन ऐसे काम करती हूँ ऐसे निकल जाता है। 2-2.5 बजे लेट गई तो लेट गई, और सुबह में 4 बजे, देखिए 4 बजे उठती हूँ, 4:30 बजे उठती है। और खाना आना बना लेते हैं, आधी से ज्यादा खराब है भिंडी। भिंडी को छौंकते हैं, भिंडी है और क्या, ग्वार की फली बना रही थी जो इनको पसंद नहीं है। अब बाल देखो, बाल दो, कमरे में बैठ जाओ, रास्ते में निकलने की जगह नहीं रहती है। चलो पुदीना लाई थी उसको भी मैं निकाल के रख देती, पहले वाले निकाल दिए थे, ये अभी का है, इसकी भी पत्तियां तोड़ के रख देती हूँ। और देखो चटनी घुस गई है क्या, चटनी इसमें डाल दूंगी, कल ना सब्जी रखी भूल गई, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ध्यान ही नहीं रहता है चीजों का, तो क्या करूँ बताओ। बस पानी पानी पानी, ठंडा पानी है ही नहीं, एक गिलास पानी पियो। चलो मैं छौंकती हूँ भिंडी, सोच रही कुछ अच्छा सा बना लूँ, देखो पाव 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 मंगा के बटाटा वड़ा बनाना चाहती हूँ। क्यों जी सुनी रे, पाव लिया होगी उधर से, बटाटा बड़ा बनाएंगे, रेसिपी बनानी है। शाम को कभी जाओ तो घर से लिया, देखो कुछ भी कैसे मच रही है मेरे मेहंदी की वजह से। कहाँ पे बनते हैं ये?
मंगाएंगे फिर डाल के बनाएंगे। चलो अभी तो सब्जी शॉपिंग है। 4:30 उठती हूँ, 5 तक घूमने चल जाती हूँ, 6:30 आती हूँ, फिर धीरे धीरे अपने काम धंधों में लग जाती हूँ और 12:00 या 2:30 लेटती हूँ, 5:30 उठ जाती हूँ, फिर शाम का झाड़ू दियावाती इन सब में लग जाती हूँ पूरे दिन ऐसे ही। इस छुट्टियाँ मतलब मेरी ऐसे लग रहा है ऐसे ही गई, क्योंकि मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया है तब से, क्योंकि देखिए अभी कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा शरीर फैल जाए फिर काम धंधे में किसी चीज़ में वो नहीं रहता। तो इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अपना शरीर सही है तभी हम परिवार का ख्याल रख सकते हैं। भिंडियों को मैंने काटा, पहले धो लिया था फिर इनको काटा, इसमें मसाले डाल के और इनको छोंक दूंगी। और ना इनमें जो चटनी रखी हुई थी वो वाली मैंने चटनी भी डाल दी थी, कि तो थोड़ी सी बनाई थी मैंने, क्यों ख़राब करती, रात की तो थी नहीं, थोड़ी देर पहले बनाई थी, तो मैंने बोला अभी कोई खा नहीं रहा है तो मैंने भिंडियों में डाल दी और इसको पकने देती हूँ। इसको पकने दिया, सोना बोल रही थी मम्मी पराँठे बना दो, खीरा के पराँठे बना दो, तो मैं खीरे के पराँठे बना रही थी और देखो एकदम से मेरा हाथ है ना जो कट गया। फिर बैंडेड पड़ी थी वो मैंने लगाई, पर अब इससे बर्तन भी नहीं धुल पाएंगे, सबसे मेन होगा बर्तनों में मिर्ची बहुत लगेगी। खीरे का पानी मैंने निचोड़ लिया है, उधर इसमें मसाले नहीं डाले हैं, 2 बेली। खीरे के परांठे बहुत अच्छे लगते हैं, चीज़ के जैसे स्वाद आता है, आप लोग ट्राई करना। 2 सेक ली हैं, उस खीरे में नमक मिर्ची नहीं डाला, अब डालूँगी नमक और थोड़ी मिर्ची और थोड़ा धनिया, बस और कुछ भी नहीं। इसके मैंने 2 बनाए थे मोटे मोटे से, आप लोगों ने देखे ही है, इस तरीके से कर दिया। और इस तरीके से गर्मियों में छुट्टियों में बच्चों को ये सब बनाओ, बच्चे सब खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बेला और कहीं से फटता नहीं है, कहीं से कुछ नहीं होता, कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। घटी दुर्घटना घटी, देखो कितना सारा दूध वेस्ट हो गया, देखो ऊपर गई थी बस थोड़ा सा और थोड़े से मैं ध्यान ही नहीं रहा, देखो पूरा गंदा हो गया। गंदा हो गया वो तो अलग बात है, इतना नुकसान हो गया, एक गिलास की तरफ फैल गया होगा। चलो साफ करो। फिर इनका मन था हलवे का, तो सूजी थी नहीं, फिर मैंने बोला आटे का ही बना देती हूँ, आटे का हलवा ही बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। आटे को मैंने फ्राई किया, घी डाल के धीमी धीमी आंच पे, खुशबू बहुत अच्छी हो गई थी। फिर इनको देखिए आटा हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें पानी डाला, इसमें सूजी में इतनी मेहनत नहीं होती, थोड़े आटे के हलवे में मेहनत होती क्योंकि उसमें गांठे ना पड़ जाएँ, देखिए वैसा ना हो जाए, तो फिर नहीं इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकत से तो सही हो जाए। चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और नारियल डाला, इलायची डाली, अब इसको और अच्छे बहुत टेस्टी बना था सच्ची में, आप लोग भी ट्राई करना। ये देखिए हलवे को अच्छे से मिक्स करा और इसे और भी ज़्यादा घी ना छोड़े तब तक इसे पकाते रहिए। देखो यहाँ पे मैंने सूजी ली, कटोरे में पानी डाला, सूजी को भिगो के रख दिया, 2 मैंने सूजी की ली थी, इसको रख देती हूँ, अभी कुछ भी नहीं डाला, इसको ऐसे ही मैंने फूलने के लिए सूजी को रख दिया था। ये देखो जब तक मैं गई दुकान पे इनो लेके आई, कड़ी पत्ते लेके आई, तब तक ये मेरा फूल गया था। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से फूल गया है और इसी आप सोच रहे हैं काला काला क्या है, मैंने इसके ऊपर जो अभी दूध निकल गया था ना वो रख दिया था, गर्म था तो ये भी मैंने बोला इसके ऊपर रख दूँ तो दूध छूट गया है। टमाटर हरी मिर्ची प्याज डाला है इसमें, अब इसमें डाले, इसको और थोड़ी देर फूलने देंगे, इसमें अब सिर्फ नमक डालेंगे और कुछ भी नहीं, और बर्तन वगैरह बिल्कुल भी धोए नहीं जा रहे जो मेरे चोट लगी थी, इसको कर दिया है और इसको थोड़ी देर और रखेंगे, फिर इनो डाल के इडली बनाएंगे। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, मन चल रहा था तो मैंने बोला ठीक है, ये इसमें इनो डाला, उधर मैंने पानी खोलने के लिए रख दिया है और इस स्टैंड में इनमें लगाएंगे, दो बारी में बन के रेडी हो जाएंगे। दही जमा दिया है क्योंकि इनको दही खाना होता, पूरी दोपहरी धूप में काम करते हैं तो दही का लस्सी बना देती हूँ गर्मियों में, ऐसे आप भी ध्यान रखिए, लस्सी बना देती हूँ। तरबूज लेके आ गए, तरबूज ये सब, दही तो रखते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें मैंने इनो डाल के मिक्स किया और इसमें इस तरीके से रख दिया, इसका ऊपर का पकड़ने का नहीं है ना तो थोड़ा सा जल जाते, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इसको पकड़ने की, ऊपर का पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे उठाने में रखने में, दूसरा वाला इसके ऊपर रखूँगी ना तो थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए एक रख दिया, सेकंड वाला भी मैं आपको रखे दिखाऊँगी, वो भी भर लेती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं भरना है बस जितना आता है उतना ही, तब भी ये ऊपर निकल ही जाती हैं।
तो गर्मियों में इस तरीके से खाने का, चाहे गर्मी हो कितनी भी, चाहे सर्दी हो, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, और गर्मियों में करते रहो। ये देखो इस तरीके से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पर कोई नहीं, इनको रख दिया है, थोड़ी बहुत जल्दी बन जाती है, ढक दिया है, ढक के 10-20 मिनट बाद ये देखिए हमारी बनके हो गई है रेडी। बहुत गर्म गर्म ही मैंने निकाल ली थी ये देखो, और इसमें थोड़ा थोड़ा चिपका रह जाता है ना, वो भी ये देखिए मैं वो भी छुड़ा दूँगी, बहुत ईजी तरीके से निकल रही थी। ये देखो जो थोड़ा थोड़ा चिपका है ना, वो भी सारा मैंने छुड़ा दिया है। इनको तड़का देंगे ना तो अच्छा लगता है। दूसरी बार की भी कर लेंगे, और सेकंड बार की तो 2 ही में आई थी और हो गया था। मेरे पास ना काली सरसों नहीं थी, तो मैंने ना पीली वाली सरसों जीरा डाल दिया था। और इडली देखिए कैसे जालीदार मस्त बनी है, कड़ी पत्ते डाल दिए, छीटे छीटे आ गए थे, जल गई थी मैं थोड़ी सी। प्याज डाला, थोड़ा सा प्याज को पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, और इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर सॉस डालेंगे। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे। तड़का वाली बनाई थी, बहुत अच्छी बनती, और मैंने पाव बना लिए, बटाटा वड़ा बना के और पाव के अंदर रखते, उसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताना, मेरे दिमाग से तो निकल गया है, वो बनाऊंगी। वरना हर चीज़ को बनाने के लिए कुछ लाना होता है। अभी 100 रुपये के पैकेट मंगाया शायद मैंने, अभी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने टमाटर सॉस डाला, बहुत जल्दी बनके तैयार होती सारी। इसमें इडली डाल दी, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया था, दिखाया नहीं था, चाट मसाला डाल दिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। आप लोग भी ट्राई करना, और वीडियो अच्छी लगा कर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों के बिना कोई कुछ नहीं है। आप मुझे प्यार करते हो, हम आपको करते हैं, बस हालत ये हो जाती है। पसीने के मारे गैस कर दूँ ऑफ, फ्री हो गई हूँ। देखो अभी तो बस नहाते रहो, 2 बार 4 बार 5 बार जितनी बार नहाओ उतनी बार नहाते रहो, पोछा लगाते रहो, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। चलो, और कमरे की लाइट तो जलाते ही नहीं है, कमरे में आग निकलती। इसका अंदर वाला पहनो, चलो सोना तो दो दो तीन तीन बार नहाते जो वंशु, मैं तो खैर नहीं नहाते, मुझे नुकसान कर जाता है, बच्चों को भी कर जाता है, पर ये मानते कहाँ हैं, वो नहाते तो ये भी नहा लेते हैं। चलो थोड़ा सा ये गंदा है, इसको भी साफ कर देते हैं। और तो सभी काम हो रखा है, कड़ी पत्ते लेके आई थी मैं। एक सेकंड, कैमरा गंदा हो रहा है, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, आपको दिखाऊं। रोज बर्तनों पे कहीं ना कहीं बैठ ही जाती है। तो चलिए पानी, बस पानी पीते रहे, देखो मेरे यहाँ हो गया। अभी तो मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ ना। एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोग, कभी कभी अभी दूंगी ये बोतल भरना, कभी कभी अपने लोग इतना मजबूर कर देते जो हम नहीं करना चाहें ना, वही हमें करना पड़ता है। सोचते नहीं हम ये रास्ता नहीं चलेंगे, उसका एग्जांपल आपको जुलाई के बाद पता चल जाएगा किस चीज़ की हम लोग नहीं चाहते थे, वो हमें करना पड़ा ना चाहते हुए भी। इतना ज़्यादा जोर दबाव कहा सुनी कर कहा गया, शायद आप लोग समझ भी जाएंगे, फिर वो काम हमें ही कराना पड़ा। पता चल जाए किस चीज़ की कह रही हूँ, और सारा डिटेल में भी बताऊँगी, अभी नहीं। कहते नहीं अकेले हो तो कोई दो जोर दबाव नहीं चलता, जब पूरा परिवार सब जोर दें दबाव दें, नहीं तुमने स्टार्ट किया अभी से एंड करना पड़ेगा, तुमने ऐसा किया ये किया, तो वो चीज़ें करनी पड़ जाती है, क्योंकि बहुत डिप्रेशन हो जाता है, हमें भी कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि हाँ ये हमारी वजह से ही हुआ है, चाहे वो हमें कैसे भी करना हो करना पड़ता है। और उसका एग्जांपल क्या, सबूत के साथ आपको दिखाऊंगी क्या करना पड़ा। चलो अभी तो बाद में मिलते हैं, काम कर ले, बाय। बहुत अच्छी बनती है, इसको और भी कुछ बना सकते हैं, इसको पीस के और भी कुछ बना सकते हैं, फिलहाल तो मुझे ऐसे ही पसंद है। इनको काट काट के भी कर सकते, पर तोड़ ली थी मैंने कचली से दबा दबा के, एक दो साबुत छोड़ी और सारी दबा दी चाय के साथ, किसी की भी साथ खाई बहुत अच्छी होती है। बच्चे अंदर खा रहे हैं।